हंसी की मधुर नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जैसा हमने पिछली बार देखा था परफेक्ट चर्च, और परफेक्ट चर्च इस पृथ्वी पर नहीं, वो कहां तैयार हो रहा था? स्वर्ग में। लोगों ने अपने आप को उसके लिए तैयार किया, अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और ये चर्च कोई एशिया से, कोई यूरोप से, कोई उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से, अंटार्कटिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इन महाद्वीपों में जो अलग अलग गोरे काले लोग, जो ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़, गरीब अमीर, दास स्वतंत्र, सब इस चर्च में शामिल थे। और ये चर्च कैसे बना मालूम? ये चर्च बना प्रभु यीशु मसीह के लहू से। और इन लोगों ने जो विभिन्न देशों के थे, अपने आप को उस स्वर्गीय चर्च के लिए तैयार किया। इसलिए उसका डिनोमिनेशन बाइबल में नहीं दिया गया, और उसका वर्णन जो है बाइबल में दो जगह आया है, मैं आपके लिए वो पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वां अध्याय और उसका 21वां अध्याय भी, उसका कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा, और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहे, और 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन, हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और 21वां अध्याय उसकी पहली आयत, फिर मैंने नए यरूशलेम और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे सबसे यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊं, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस हो, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों
और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। सो परमेश्वर ने दो जगह इस दुल्हन का वर्णन कर 19वें अध्याय में भी और 21वें अध्याय में भी, और इस दुल्हन के लिए लोगों ने अपने आप को तैयार किया। आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह के आने तक कई लोगों ने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए तैयार किया। सो आए इस यूनिवर्सल चर्च की कुछ और खूबियां देखें। सो जैसा हमने अभी बाइबल में से देखा, यूनिवर्सल चर्च विभिन्न समयों में विभिन्न कालों में पृथ्वी के आरंभ से बनना जो आरंभ हुआ बिना व्यवस्था के, व्यवस्था के साथ अनुग्रह के काल में और वर्तमान तक, और ये आगे भी जब तक जारी रहेगा। सो आगे भी ये जारी रहेगा। और यूनिवर्सल चर्च जो है हमारे विश्वास वचन में हम बोलते हैं वी बिलीव ऑन होली कैथोलिक चर्च। कैथोलिक शब्द हमको लगता है एक वर्ग का उच्चारण है, तो इसका मतलब होता है हिंदी में अंग्रेजी में यूनिवर्सल, हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। सो कैथोलिक मतलब सार्वभौमिक, और विश्वास वचन में हम बोलते हैं कि मैं सार्वभौमिक कलीसिया पर विश्वास रखता हूं। और चार चीज जो है इस चर्च को महत्वपूर्ण बताती है, मैं जैसा हम विश्वास में वचन में बोलते हैं मैं एक पवित्र सार्वभौमिक प्रेरिताई कलीसिया पर जो है विश्वास करता हूं। और पहला शब्द है वन, हम अपने ट्रेडिशन में इतने जुड़ गए कि हमको लगता है कि वो दूसरे वर्ग का आदमी छोटा है, वो बड़ा है, वो अंग्रेजी चढ़ जाता, वो हिंदी चढ़ जाता, वो मराठी चढ़ जाता, वो गुजराती चढ़ जाता। नहीं, नहीं, यूनिवर्सल चर्च एक चर्च है। जैसा मैंने बताया, अमेरिका में बोले, यूरोप में बोले, अफ्रीका में बोले, एशिया में बोले, अंटार्कटिका में बोले और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बोले, जो चर्च है वो यूनिक है। उसमें भाषाओं से, पृथ्वी की भाषाओं से फर्क नहीं पड़ रहा, पृथ्वी के रंग से फर्क नहीं पड़ रहा, पृथ्वी के एजुकेशन से, पृथ्वी के प्रॉपर्टी से, पृथ्वी के लेने देने से फर्क नहीं पड़ रहा। वो विभिन्न देशों से तैयार हुआ, वन अकॉर्डिंग। सो पौलुस गलातियों के पुस्तक में बोलता, अब कोई यहूदी और ग्रीक यूनानी नहीं रहा, कोई दास और स्वतंत्र नहीं, कोई स्त्री और पुरुष भी नहीं रहा, हम सब मसीह में एक एक। और जो है पौलुस इसको आगे बोलता है कि चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर, चाहे वे यहूदी थे चाहे गैर यहूदी थे, प्रभु ने उनको इस यूनिवर्सल चर्च में शामिल किया। और इसके जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत निर्णयों ने उन्हें इस चर्च में शामिल किया। तो कई लोगों के मनों को परमेश्वर ने खोला, वो इस बात को समझ पाए, कईयों के आत्मिक आंखों को खोला कि वे प्रभु को देख पाए, प्रभु ने उनके कानों को खोला कि वे प्रभु की वाणी को सुन पाए। सो पहला जो इस यूनिवर्सल चर्च का गुण था, वे एक थे, एक मन। दूसरा जो गुण था वो था पवित्र। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया, समर्पित किया। वे पवित्र बने, और कोशिश रही उनकी कि हम परमेश्वर के जैसा बने, और परमेश्वर भी चाहते हैं, आज तक चाहते हैं, वो चैप्टर खत्म नहीं हो।
वो क्लोज नहीं हुआ है। परमेश्वर की आज भी मंशा ये है कि वो पवित्र लोगों को उसकी आंखें उसकी निगाहें ढूंढती फिरती, जिनके मन उसकी ओर निष्कपट है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को अलग कर ले। फिर सार्वभौमिक, अंग्रेजी में जो है कैथोलिक, और यह शब्द आया है कैथोलिकॉस मीन्स जनरल या यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। और ग्रीक जो शब्द था वो कैथोलाओ अकॉर्डिंग टू द होल इंटायरली इन जनरल, ये इसका मीनिंग है। सब देशों से मिलकर, सब रंगों से मिलकर, इसमें जाति भेदभाव नहीं था। ये वो यूनिवर्सल चर्च है जो स्वर्ग में तैयार हो रहा है, और इसके लिए लोगों ने अपने आप को पृथ्वी पर तैयार करा। सो ये वो सार्वभौमिक कलीसिया थी जिसमें लोगों का विश्वास पृथ्वी के डिनोमिनेशन से ऊपर था। वे ब्रॉड माइंड थे, वे सोचते थे, वे लकीर के फकीर नहीं थे। सो उन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बचाया, परंतु उनके कारण बहुतों ने भी आशीष प्राप्त करी, और प्रेरिताई कलीसिया थी। इसका आरंभ जो है प्रेरितों से हुआ। प्रभु यीशु मसीह जिनको पृथ्वी पर छोड़ के गए थे, वे उनकी शिक्षाएं, उनके साथ संगति, उनके साथ रोटी तोड़ना और प्रभु की आज्ञाओं को पालते रहना, एक मन से परमेश्वर के मंदिर में प्रतिदिन इकट्ठा होना, लोगों के घर घर जाना, उनको संगति प्रदान करना, उनको आगे बढ़ाना, प्रभु की मेज में शामिल करना, ये आरंभिक कलीसिया थी। और ये यूनिवर्सल चर्च जिसमें सब लोग थे, और जिसमें जो है पृथ्वी के वातावरण से ऊपर था इनका सोच, जिनमें काले गोरे, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, और जो है इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ये इस चर्च में शामिल। ये यूनिवर्सल चर्च और ये लोकल चर्च जो है, ये बड़ा फर्क है। पृथ्वी पर अभी जो है वो लोकल चर्च है, और यहीं से जो है यूनिवर्सल चर्च के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत निर्णय पर जो है निर्भर करता है। लोकल चर्च पृथ्वी का, यूनिवर्सल चर्च स्वर्गीय चर्च, और वो जो बुलाए गए और प्रतिदिन प्रभु उनमें मिला देता, और इनका रिलेशन परमेश्वर के साथ, सीधा सीधा रिलेशन इनका परमेश्वर के साथ। सो प्रभु आज भी जो है ऐसे परिवारों को, ऐसे व्यक्तियों को जो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं या करना चाहते हैं, ढूंढता रहता है। और हमें इस चर्च में जो है शामिल करना। जीसस बिल्ट हिज वन यूनिवर्सल चर्च, हिज सेव्ड बॉडी ऑफ पीपल। वो प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो इस यूनिवर्सल चर्च में शामिल हो। प्रभु ने किसी डिनोमिनेशन की स्थापना नहीं करी। प्रभु ने जो है विभिन्न चर्च नहीं बनाए, प्रभु ने कलीसिया बनाई और उसे अपने खून से खरीद, चर्च सारे लोगों से मिल करके बना, और ये चर्च के रचना विभिन्न देशों के लोगों से मिलकर के ये चर्च बना हुआ है। और यहां रंगों का भेद नहीं,
सब प्रभु में एक ऐसा चर्च जिसमें स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं। यह है वो यूनिवर्सल चर्च जिसकी स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं करी। सो ये यूनिवर्सल चर्च सारे पृथ्वी के प्लैनेट के लोगों से, पृथ्वी जो ग्रह है, यहां के विभिन्न लोगों से मिल करके ये स्वर्गीय चर्च जो स्वर्ग में है बना है। और ये इस चर्च की क्वालिटी है। और बाइबल में यूनिवर्सल चर्च जो है ये शब्द तो नहीं आया यूनिवर्सल, लेकिन कलीसिया और सांकेतिक भाषा में जो है ये जरूर आया। सो प्रभु हम सब के सहायता करें कि हम जो है संस्थाओं के पीछे नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, क्योंकि प्रभु संस्थाओं को स्थापित करने नहीं आया, प्रभु अपने लिए लोगों को तैयार करने आया। और पृथ्वी के लोगों से ही ये स्वर्गीय यूनिवर्सल चर्च की स्थापना हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हम जैसे व्यक्तियों को अपने स्वर्ग में लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम आपके साथ लगातार बने रहें, आपके मुंह को देखें, आपको और भजें। प्रभु और खुदावंत, हम आपके सामने लाखों करोड़ों बार झुकते हैं, क्योंकि आप जैसे परमेश्वर और कोई है ही नहीं। और प्रभु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर आप जैसा कोई प्रेमी, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु हम आपको सराहते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको भजते हैं प्रभु इस अद्भुत योजना के लिए। आप फर्क नहीं करते, आप जो है सारी पृथ्वी के और यहाँ के सारे पक्षियों, पशुओं, समुद्र के जीव जंतुओं, जंगल के जंगली जंतुओं से लगा करके सब पालतू जंतुओं, इवन मनुष्य के करता है। सो प्रभु बिना भेदभाव के आपने जो चर्च की स्थापना करी, हम उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और आपने हमें उसमें शामिल कर, इससे बढ़ के और क्या चाहे प्रभु। जीते जी प्रभु आपके कहलाते रहे, मरते दम तक और उसके बाद भी प्रभु आपके चरणों में बैठे रहें, ये सौभाग्य हमें प्रदान कर। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I am the Lord, there is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.